संभल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, जामा मस्जिद में हरि मंदिर होने का दावा किया गया है। मंदिर होने का दावा जिला कोर्ट में पेश। जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश विष्णु शंकर जैन ने किया है ये दावा पेश। बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही है, मंदिर होने का जिला कोर्ट में दावा पेश किया गया है। दावा विष्णु शंकर जैन ने पेश किया है। तो संभल से इस वक्त की बड़ी अपडेट, जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश और विष्णु शंकर जैन ने बड़ा दावा जो है वो कोर्ट के अंदर पेश किया है। चलिए अब सुनवाते हैं विष्णु शंकर जैन की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस पूरे मसले पर। तरीफता जैन जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके का दावा पेश किया गया है और किस तरीके की मांग की गई है। हाँ सर, आप बताइएगा, जो संभल की जामा मस्जिद की काफी समय मांग की जा रही थी, ये हरिहर मंदिर है, तो इसमें आपकी ओर से किस तरीके का दावा पेश किया गया है, बताइए। देखिए, आज सिविल सूट सीपीसी के प्रोविजंस के तहत ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिविजन के समक्ष हम लोगों ने दायर किया है और इसमें यूनियन ऑफ इंडिया, साथ ही साथ राज्य सरकार, ASI, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट संभल और जामा मस्जिद की जो कमेटी है, इन सारे लोगों को इसमें पक्षकार बनाया गया है। हमारा ये कहना है कि ये पूर्व में एक मंदिर था, श्री विष्णु हरि मंदिर था, जिसे हरिहर मंदिर कहते हैं, और हमारा ये बिलीफ, फेथ और आस्था है कि जो दश अवतार में से दशवम अवतार होना है, कल्कि अवतार, वो इसी जगह पे होना है। 1529 में एक क्रूर आक्रमणकारी बाबर ने इस जगह को ध्वस्त करने की कोशिश की थी और इसको मस्जिद का रूप देने की कोशिश की थी, और आज वहाँ पे गलत ढंग से इस जगह को मस्जिद के रूप में उपयोग करने का काम किया जा रहा है। ये एक ASI संरक्षित एरिया है और यहाँ पे किसी भी ढंग से इसको मस्जिद के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। इन सारी बातों को लेकर आज हम माननीय सिविल जज सीनियर डिविजन संभल के पास पहुँचे और कोर्ट से प्रार्थना की कि वहाँ पे एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया जाए CPC के प्रोविजन ऑर्डर 26 रूल 9 एंड 10 के तहत, और कोर्ट ने आज एडवोकेट कमिश्नर इसमें नियुक्त किया है और अब कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस के लिए हम लोग आगे बढ़। तो देखिए, अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, विष्णु शंकर जैन ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाया, किस तरीके से उन्होंने अपना दावा जो है वो पेश कर दिया है। जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट संभल से आपको बता रहे हैं, जहां पर विष्णु शंकर जैन ने बड़ा दावा पेश किया है। दरअसल जामा मस्जिद में हरि मंदिर होने का दावा जो है वो पेश किया गया है। मंदिर होने का दावा किया गया है, जिला कोर्ट में आज दावा जो है वो पेश किया गया है और मांग की गई है कि जामा मस्जिद के सर्वे करवाए।